नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है सीखने की आवश्यकता की पहचान करना कि बालक सीखता कैसे है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो वो एक अधिगम प्रक्रिया का प्रोसेस है और कुछ स्पेसिफिक आपके वर्ड होते हैं जिसे हम पहचानते हैं कि बालक को सीखने की आवश्यकता है। जैसे पहला आपका जो सेंटेंस है, परिणाम का ज्ञान एवं लक्ष्य प्राप्ति, अर्थात क्या रिजल्ट होगा इसका नॉलेज हो और किस गोल को हम प्राप्त करेंगे, किस लक्ष्य की प्राप्ति हमको करनी है, इसके लिए सीखने की आवश्यकता होती है। अर्थात एक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि परिणाम के ज्ञान के लिए भी बालक क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं या उनकी आवश्यकता होती है सीखने की, और जब लक्ष्य प्राप्ति करना हो तो भी उन्हें सीखने की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका है निर्णयन एवं समस्या समाधान। जब भी हमें डिसीजन लेना होता है किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चा क्या होता है, ये जो बालक होते हैं या कोई भी हो, वो थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं। उस समय उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है या किसी से नॉलेज चाहिए होता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी आवश्यकता सीखने की उस समय बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें यह निर्णय लेना होगा कि अब बालक के सीखने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, उसको निर्णय लेने की आवश्यकता है या किसी समस्या में फंसा है उसके समाधान की आवश्यकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण उसका बिंदु होता है कि बालक को सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रतिद्वंदिता एवं सामूहिक कार्य। जब भी हम कंपटीशन करते हैं किसी से, किसी भी वस्तु से, किसी मशीन से, या किसी बालक का दूसरे बालक से, किसी बालिका का दूसरे बालिका से, तो यहाँ पे क्या होता है, उस समय भी सीखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जब भी हम सामूहिक कार्य करते हैं तो भी बालक को क्या होता है, सीखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब भी किसी को कोई आकांक्षा होती है, किसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा होती है, उसकी किसी चीज़ में रुचि होती है, वो कोई स्वप्न देखता है, तो उसको पूरा करने के लिए भी क्या होता है, सीखने की आवश्यकता बालकों की होती है। अगर इसके अलावा हम अन्य पॉइंट देखें तो बहुत जो मेजर पॉइंट है वो है भावात्मक संवेगात्मक संतुलन। किसी के संवेगों के संतुलन के लिए उसको सीखने की आवश्यकता होती है। कैसे किसके सामने प्रेटेंड करना है, क्या व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें कहाँ क्या बोलना है, या हमें अपने इमोशन का कैसे कंट्रोल करना है, जो भावात्मक और संवेगात्मक पक्ष है उसके लिए भी बालकों को सीखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो समायोजन या अनुकूलन के लिए भी क्या होता है, बालकों को सीखने की आवश्यकता होती है। कहाँ एडजस्ट करना है हमें, कैसे गर्मी है तो बिना पंखे के कैसे एडजस्ट करना है, तो हमें सीखना होता है। मतलब ये भी एक सीखने की आवश्यकता है बालकों की कि हम किस प्रकार से समायोजन करें या किस प्रकार से अनुकूलन करें, दोनों अलग अलग वर्ड है। समायोजन मतलब किसी भी परिस्थिति में समायोजित होना, अनुकूलन मतलब खुद में भी चेंजिंग लाना। जैसे आपने देखा होगा अनुकूलन के प्रतिफल में कई पेड़ों के जो आकार होते हैं बदल जाते हैं, जैसे नागफनी जो होता है मरुस्थल में होता है कांटेदार, ताकि वहाँ के जीव जंतु ना खाएं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अनुकूलन कर देते हैं, हम भी करते हैं। बहुत सारे हमारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, अंग जो अवशेषी अंग है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जैविक रूप से अनुकूलन ही नहीं, हमें संवेगात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, चारित्रिक रूप से भी अनुकूलन करने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अनुभव सृजन एवं आदत निर्माण, साथ ही साथ व्यक्तित्व के निर्माण हेतु भी सीखने की आवश्यकता होती है। हमें एक्सपीरियंस लेना है, किस प्रकार से लेना है, ये भी सीखने की आवश्यकता होती है। जैसे एक बार जले तो ठीक है, ऐसा ना जल जाए कि समाप्त हो जाए, तो इसलिए अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए भी सीखना है हमको कि क्या चीज़ें ठंडी है, क्या गर्म। फिर सृजन के लिए कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए भी हमें सीखने की आवश्यकता होती है। आदत निर्माण, बार बार हैबिचुअल कोई वर्क आप करते हैं उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए, या अपनी हैबिट बनाने के लिए, जैसे पढ़ने की हैबिट आप बनाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए भी सीखने की आवश्यकता है। और बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व हेतु, तो व्यक्तित्व के संवर्धन हेतु भी सीखने की बहुत 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 आवश्यकता होती है। अगर मोटे रूप में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सर्वांगीण पक्ष के विकास हेतु सीखने की आवश्यकता होती है। अब इस पक्ष में आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, सामाजिक, राष्ट्रिक, नैतिक, चारित्रिक और अनुशासनात्मक बहुत सारे पक्ष आ जाते हैं। उन सारे पक्षों के लिए किसी भी बालक को सीखने की आवश्यकता होती है।